हेलो भैया, नमस्कार दोस्तों। गंगापुर सिटी पोर्टल पे आपका स्वागत है। और अभी मैं इंतजार करूँगा थोड़ी देर ताकि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़े, उसके बाद हम आगे की बात शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर शेयर कीजिए इसको और लाइव से जुड़े रहने की कोशिश कीजिए ताकि हम आगे बात कर सकें। और आपको भी अगर कुछ बोलना हो तो हमें लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। तब तक आप शेयर कीजिए वीडियो को और मैं भी शेयर कर रहा हूँ। चलिए जल्दी कीजिए शेयर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंदिर माफी पे जो कब्जा किया जा रहा है गंगापुर सिटी में, उसके बारे में। इस हद तक कब्जा किया जा रहा है और इतना खुलेआम बेधड़क होकर कब्जा किया जा रहा है कि मतलब सबको पता है गंगापुर में जिस जगह पे, जिस कॉलोनी में, जिस आस पड़ोस में मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा किया जाता है, वहां के प्रत्येक आदमी को पता होता है कि इस जमीन, ये जमीन मंदिर माफी की है और इस पे कब्जा किया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोल रहे हो साहब? दिक्कत क्या है बोलने में? कोई तो बोलो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबूत इकट्ठे करके बैठ जाते हैं इस खुशी में कि भाई हमें कुछ मिल जाएगा इसमें, हमारे पास सबूत सारे इकट्ठे हो गए, सारे कागज इकट्ठे कर लिए हमने और हमें इसमें कुछ मिल जाएगा, ये सोच के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कागज लेके। उनको यूज करो, रोको उन लोगों को जो कब्जा कर रहे हैं। और कब्जा करने वाले भी कोई छोटे मोटे आम आदमी नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं है छोटे मोटे आम आदमी जिनको आप जानते नहीं हो। गंगापुर का लगभग हर वर्ग का आदमी ऐसे लोगों को जानता है जो ये कब्जा कर रहे हैं। फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? शासन, प्रशासन, नेता, कर्मचारी, आम आदमी कौन नहीं जानता कि गंगापुर में मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा हो चुका है और हो रहा है। जो हो चुका है उनका तो शायद अब कुछ नहीं होना। हमारा प्रशासन इतना अच्छा नहीं है जो उनका कुछ कर सके, लेकिन जो हो रहा है उन पे तो लगाम लगाओ भाई साहब कम से कम। तो यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको ताकि हम आगे बात कर सकें, बता सकें कि और कहाँ कहाँ पे मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। और अगर आपको भी कुछ पता हो तो कमेंट में या फिर लाइव वीडियो कॉल पर जुड़ के हमें बता सकते हैं, पूरे गंगापुर को बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। और सब्र रखिए, इन सब का नंबर आएगा, कब्जा नहीं होने देंगे। हो गया जो हो गया, अभी तक सामने नहीं आया था, हो रहा था कब्जा, अब नहीं होने देंगे। जुड़िए, शेयर कीजिए भाई, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए सबको। मिर्जापुर से मोहन जी कह रहे हैं गंगापुर सिटी में हर कोने कोने में मंदिर माफी का कब्जा हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हो रहा है कब्जा। रुकवाओ, कौन रुकवाएगा? रुकवाओ सर इसको। खेमराज सिंह जी, राम राम जी। आशिफ भाई कह रहे हैं कौन सी जगह पर, भाई साहब कौन सी जगह पे नहीं हो रहा है कब्जा? कौन है ये? महेश सैनी, आप जानते हो तो आप नाम को खुला सकते। भाई मैंने महेश भाई, देखो बात ऐसी है, नाम मुझे सबके पते हैं और सबका खुलासा होगा, सब्र रखो बस। देखो मंदिर की जमीनों पे क्या होता है, अच्छा कुछ लोगों का हिंडौन रोड पे, प्रेमीणा कह रहे हैं हिंडौन रोड पे कब्जा किया जा रहा है। भाई हिंडौन रोड का आप है ना मुझे खसरा नंबर वगैरह या तो पर्सनल मैसेज में डाल दो। डिपशा रोड पे अभी तो लाइन लगेगी, लाइन लगेगी। मेरे पास जब से मैंने आज दिन में ये पोस्ट डाली थी कि हम आज शाम को 8 बजे लाइव आएंगे और मंदिर माफी की जमीन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद से इतने कॉल आ चुके हैं कि साहब यहां भी कब्जा हो रहा है, यहां भी कब्जा हो रहा है, हर जगह कब्जा हो रहा है।
और सबको पता है और हर कोई डरता है कि भूमाफिया है, सब कुछ कर सकते हैं, इनके हाथ में प्रशासन है, पावर है, सब कुछ है, ये कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब आप बता दो ना, आप आपको जिंदगी से मालूम है कि कौन बेचता है कौन खरीदता है, तो बताओ तो सही एक बार। बिल्कुल सही है भाई साहब, आधा गंगापुर मंदिर माफी बसा हुआ है, यहाँ तक कि जो गंगापुर का मार्केट है वो भी मंदिर माफी बसा हुआ है, सबको पता है। अब जो बस गया वो बस गया, वो तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो अब जो चल रहा है ना, गंगापुर के नामी ग्रामी लोग, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है, फिर भी मंदिर जैसी जमीन पे कब्जा कर रहे हो, शर्म नहीं आती? प्रशासन शिकंजा कसेगा, मैं बताता हूँ कैसे कसेगा, रुकिए थोड़ा सा, एक बार ये शेयर कर देते हैं इसको, अभी अभी सब कुछ बता रहा हूं मैं, रुकिए। बस बने रहिए लाइव पे और शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी। भाइयों व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देना। देखो यार मैं कागज रखना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा कागज, है ना, अभी लाके 1 मिनट में। प्रशासन अगर चाहे तो सारे काम करवाकर मंदिर माफी की जमीनों को गौशाला के लिए दे सकता है। बिल्कुल मोहन जी सही कह रहे हो आप, और छोड़ो, अरे मंदिर, अच्छा पहले तो मैं बता दूं मंदिर माफी की जमीन होती क्या है। इसको वैसे देवस्थान भूमि बोला जाता है, हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको मंदिर माफी बोलते हैं। देवस्थान भूमि वो जगह होती है जहां पे जब कोई भी राजा महाराजा या कोई भी सेठ साहूकार, कोई भी मतलब बड़ा आदमी होता था ना, वो किसी देवी देवता का मंदिर बनवाता था, उस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, सेवा पूजा कर, ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के लिए एक पुजारी को रखा जाता था, उसके परिवार को रखा जाता था साथ में वहां पे। तो वो मंदिर से इनकम हो ना हो, उस मंदिर के नाम से उस पुजारी को इतनी जमीन दे दी जाती थी कि वहां पे खेती वगैरह करके वो अपना गुजर बसर कर सके, उसको मंदिर माफी की जमीन बोला जाता है। और वो जमीन पुजारी की नहीं होती है, पुजारी की या उसके बाप की संपत्ति नहीं होती है, वो होती है मंदिर की जमीन, ठाकुर जी की जमीन होती है ना। और मैं आपको एक बड़ी चीज और बताऊं, अभी मैं जिस जमीन के बारे में बात कर रहा हूं, उस जमीन पे तो मतलब ठाकुर जी के नाम से जमीन है, उस जमीन पे तो हमारे एक गंगापुर के प्रतिष्ठित सरकारी बैंक हैं, उन्होंने लोन भी दे दिया, मंदिर माफी की जमीन पे लोन भी दे दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना विनोद क्या चल रहा है। तो भाई साहब बहुत ही ऊपर तक चल रहा है मामला। संतोष भाई राम राम। तो भाई साहब मंदिर माफी की जमीन को तो ऐसे कब्जा कर रहे हैं, भाई साहब लोन दे रहे हैं। अभी मैं आपको 1 मिनट रुकना, मैं आपको कागज लेके आता हूँ, मैं भूल गया लाना, रख के बैठना भूल गया, सॉरी। हेलो, हाँ जी भाई साहब, तो अभी हम सबसे पहले जिस जमीन की बात कर रहे हैं, इनके काश्तकार का नाम है मंदिर श्री महादेव स्थान दे हिस्सा पूर्ण खातेदार, ठीक है, रहीन रहीन या रहन जो भी कुछ बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गंगापुर सिटी, समझ रहे हो, दिखाते हैं आपको। अरे यार तो फ्रंट कैमरा है, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, 1 मिनट रुको। भाई साहब
देख रहे हो, काश्तकार का नाम मंदिर श्री महादेव जी, स्थान दे हिस्सा पूर्ण, खातेदार राहीन, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गंगापुर सिटी, ठीक है। ग्राम का नाम उदय कला, क्षेत्रफल छोड़ो, तहसील गंगापुर सिटी, खाता संख्या 532, ठीक है। और यहाँ पे चल के जाएं तो ये पूरी जमीन ये है खसरा नंबर, और ये है 7.75 हेक्टेयर, तो इसको लगभग 25-26 बीघे जमीन तो होगी मेरे ख्याल से, होनी चाहिए। हेक्टेयर को मेरे को ज्यादा कंफर्म करना नहीं आता, है ना। अब इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में क्या क्या हुआ है इसमें अभी तक। तो भाई साहब, ये जो देवस्थान की जमीन है, मंदिर माफी की जमीन है, इस जमीन को लेकर एक युवा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 1 नवंबर 2022 को एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था इस मामले में कि सर क्या बोलते हैं, जमीनों पे कब्जा हो रहा है, रोकिए मंदिर माफी जमीन, रपर गार्डन या पार्किंग बनाया जाए। भाई साहब, कुछ भी बनाओ, सरकारी काम में ले लो उसको, मना थोड़ी ना है। कॉमर्शियल क्यों कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, कॉलोनी काट दी मंदिर की जमीन पे, और फिर नगर परिषद के सामने जाके धरना देते हो कि हमें उस पे तो पट्टा चाहिए। कैसे मिलेगा पट्टा उस पे? अच्छा, नगर परिषद की भी बताऊंगा अभी, नगर परिषद के हाल क्या है वो भी बताऊंगा। तो इसके बाद में 4 तारीख को हमारे पास खबर आई थी, हो सकता है पहले की भी हो, लेकिन 4 दिसंबर को हमारे पास खबर आई थी कि उस जमीन पर, ये जो मैंने अभी जमीन की डिटेल बताई, इस जमीन पर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, और इसका मुद्दा उठाया सैनी नगर के जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। अच्छा, इस मुद्दे पे तहसीलदार जी भी आए, उन्होंने जगह पे आके जो हरे पेड़ थे उनको काटने से रोका, और एक लेटर भी लिखा था जिसमें ये था कि ये जो खसरा संख्या है 58 22 58 23 58 24 58 25 58 26, ये खसरा संख्या मंदिर माफी की है, इस पे गलत तरीके से हरे पेड़ काटे जा रहे थे तो इनको रोक दिया गया है, और 4-5 जनों के साइन भी हुए, ये मुद्दा तो उठा। अच्छा, वार्ड पार्षद के घर के मुश्किल से 100 मीटर दूर भी नहीं होगा ये जो काम चल रहा है। उसके बाद में लगभग 2 महीने से वहां पे काम चल रहा है, इस टाइम पे नींव भरी जा चुकी है, कंक्रीट की सड़क डाली जा चुकी है, और 3-3 4-4 फीट के दासेबंदी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन को पता ही नहीं है कि कुछ हो भी रहा है। अब आप भाई साहब कमेंट तो सही कह रहे हो, अमजद खान कह रहे हैं नगर पालिका भी मिली हुई है भाई, जभी तो पट्टा कहाँ गया भाई, यार कमेंट गायब हो गया भाई आपका, बड़ा मस्त था, जभी तो पट्टा बन रहा है। भाई साहब, पट्टे तो आपको पता है कैसे कैसे बन रहे हैं, आप नॉर्मली जाओ, एक आदमी को 2017 में उसने पट्टे की फाइल दी थी, उसके बाद वो फाइल गायब हो गई, फिर उससे नई फाइल बनवाई गई, जब उसने धमकी दी कि मैं पुलिस में एफआईआर कर दूंगा कि फाइल चोरी हुई है नगर परिषद से, तो फिर नगर परिषद ने खुद ने बनवाई फाइल, और खुद ने फाइल बनवा के उनका पट्टा जारी किया 4 साल में, क्योंकि एक नंबर से करवाया था ये, अगर 2 नंबर से होता तो 1 महीना नहीं लगता, 4 साल छोड़ो, 1 महीना नहीं लगता। लोगों को अब मंदिर माफी का मुद्दा बना रहेगा, लोगों ने पैसों से जमीन खरीद दिया है, मकान बदलवाया, और भाई साहब ऐसी बात है, आपने ना, ये एक भाई साहब हैं ये कमेंट कर रहे हैं कि पैसे दे के जमीन खरीदी है वगैरह वगैरह, तो भाई साहब बात ऐसी है, पैसे देते हो ना किसी भी चीज का
तो जांच परख करके दे देते हो। आपको पता होगा कि वो मंदिर माफी की जमीन है, सस्ते में मिल रही है, खरीद लो, मकान बना लो। अब फिर जब कोई मकान तोड़ने आएगा सरकारी, तो आप बोलोगे कि हमने तो पैसे दिए हैं इसके। क्यों दिए? जितना गलत बेचने वाला है उतना गलत खरीदने वाला भी है। कोई भी अंधा नहीं होता जो लाखों रुपए दे देगा किसी जमीन के बिना किसी जांच पड़ताल के, कि जमीन है भी असल में कि नहीं। आप सिवाय चेक भूमि क्यों नहीं खरीद लेते? सरकारी जमीन खरीद लो। सबके नाम खुलवा मेरे भाई, नगर निगम का भी जोड़ो, सोसाइटी पट्टा सबको खोलो एक नंबर से, और उसकी जांच करवाओ। जयपुर हाई कोर्ट तक पहुंचा इस बात को। भाई साहब, हाई कोर्ट के अब ये बात कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है अभी आपको पता नहीं है। और अगले जो अगला हफ्ता आ रहा है ना, सोमवार से शुक्रवार के बीच, इसमें बहुत कुछ हो जाएगा गंगापुर में, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं कर चुका हूँ बहुत कुछ, लाए तो बहुत बाद में आया हूँ मैं, जो करना था मुझे वो मैंने कर लिया है पहले, है ना। और बस अब देख, मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ, आगे कभी भी आपके पास में कोई ऑफर आता है मंदिर माफी की जमीन खरीदने का, भाई साहब मत खरीदना। खरीदते हो तो पापी आप भी हो, जो बेच रहा है वो तो है ही कमीना, ठीक है। बेचने वाला तो मतलब इतने बेशरम है, जिस पुजारी को मंदिर की पूजा के लिए रखा है वो मंदिर की जमीन बेच रहा है, और खुद ने उसकी उसके दुकानें बनवा रहा है, किराया उठा रहा है, कभी मंदिर में एक ईंट भी लगाई है उसने? शर्म नहीं आती ऐसे पुजारी को जो मंदिर को जमीनें बेच रहा है? मतलब बूढ़े हो गए यार, अब तो शर्म कर लो। सही बात है भाई, अमजद भाई सही कह रहे हैं कि अगर कोई सब्जी भी लेता है ना 5 रुपए की 10 रुपए की, तो वो टटोल के देखता है खराब तो नहीं है। और यहाँ लाखों की जमीन जमीन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कि मंदिर माफी की जमीन है। मजाक कर रहे हो? पता होता है, सब मिली भगत से काम होता है, नीचे से लेके ऊपर तक सबको खिलाई जाती है? तो हम बात कर रहे थे कि जब वो पेड़ काटे गए थे, तो तहसीलदार साहब को बुलाया गया था, उन्होंने रुकवाया पेड़ काटने का काम, लेकिन वो रुका नहीं, बाद में कट गए, ठीक है। अच्छा, इसका वीडियो 4 तारीख 4 जनवरी को हमने भी डाला था, जिसमें पेड़ काटे जा रहे थे। और उसके बाद में हमने 24 जनवरी को एक लेटर और डाला था, जिसमें तहसीलदार साहब ने लिखा था कि इस जमीन को पे काम रुकवा दिया गया है, वो कुछ बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं है नाम, तो वो रुकवा दिया गया था। इसके अलावा एक लगभग 1 महीने पहले एसडीएम साहब ने भी कुछ कहा था, एसडीएम साहब ने भी कुछ कहा था मंदिर माफी की जमीन पे जो कब्जा किया जा रहा है इसको लेकर, वो मैं आपको सुना देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, और भाइयों मैं कह रहा हूँ, मेरा नंबर है 9660907707। आपके पास कोई भी मंदिर माफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गंगापुर और आसपास के एरिया में, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपका नाम कहीं बाहर नहीं जाएगा। आप मुझे बता दीजिए, लेकिन आपके पास समय है बुधवार तक का, बुधवार तक आप लोगों को जितने भी हो मुझे बता दीजिए। नंबर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 9660907707। पोर्टल पे जो नंबर है वो मेरे ही पास रहता है, तो आपको जब भी कुछ कांटेक्ट करना हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, या तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, या फिर आप मुझे इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। मुझे बुधवार तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे गंगापुर में कहीं भी कोई भी मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा किया जा रहा हो। और मंदिर माफी तो छोड़ो, अभी कुछ दिनों पहले, अभी 4 दिन ही हुए, एक 8 10 दिन ही हुए शायद, पदम जी ने चलाया था एक, वो औद्योगिक जमीनों पे भी कब्जा किया जा रहा है। अरे उन पे कॉलोनी बसा दी यार, इंडस्ट्रियल यूज की जो जमीन है उस पे कॉलोनी बसा दी, रहने लग गए लोग। हाँ चल जा भैया। जिनके लिए सबसे पहले आपको बता दूं, मंदिर माफी की जमीन पे निर्माण को लेकर जो समस्या आई थी, हमने तुरंत तहसीलदार को मौके पे भेजा और मौके पे निर्माण कार्य रुकवाया। तहसीलदार को हमने पाबंद किया कि वो हर वीक जो निर्माण हो रहा है उसकी वीडियो बनाएगा
और हमारे पास पेश करेगा। यदि नया निर्माण पाया जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हो सकता है किसी एक निर्माण विशेष की बात है, लेकिन जब हमने पूरी जांच करवाई इस प्रकरण में, तो गंगापुर क्षेत्र में मंदिर माफी की जमीन पे काफी निर्माण हो रहे हैं, पहले के निर्माण काफी हैं। हम सभी जो मंदिर माफी की जमीनें हैं उनकी जांच करवा रहे हैं, उनका सर्वे करवा रहे हैं, कितनी जमीनें मंदिर के नाम है, सभी को हम नोटिस जारी कर रहे हैं। और जहां जहां निर्माण हम ये पता नहीं कौन है भाई साहब बोल गए बीच में, लेकिन जो भी है आपने देख लिया। कार्य चल रहा है, हमने अच्छा लगभग देख सबको लिया। रुकवा दिया, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं मानेगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, उसको तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। और जो भी कार्रवाई प्रशासन कर सकता है इनलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं हम प्रशासन द्वारा करवाएंगे। किसी भी तरीके का जो भी हमारे पास मंदिर को लेकर विरोध या जानकारी मिलेगी, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात आई थी हमारे सामने, तो भाई साहब ये लगभग 1 महीने पुराना एसडीएम साहब द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग थी। इसको इस बात को लगभग 1 महीने हो गए हैं, और इसमें बोला गया था कि एसडीएम साहब द्वारा बोला गया था कि है ना, हम तहसीलदार साहब को बोला हुआ है कि वो हर हफ्ते मॉनिटरिंग करें। आके देखिए, ऐसे ही चलता रहा ना तो महीने 2 महीने में घर मकान खड़े हो जाएंगे। कॉलोनी को तो कट चुकी है, प्लॉटिंग हो चुकी है, सड़क बन चुकी है, 4 4 फीट की दासेबंदी हो चुकी है, 3 फुट 4 फुट की। कुलदीप जी, मेरा नाम है अनंत और मेरा मोबाइल नंबर है 9660907707। पोर्टल पे जो नंबर दिखाई देता है वो मेरा ही नंबर है, ठीक है? तो अब बताइए। और देखिए, मुझे अभी आप लोग कहोगे कि है ना, नाम बताओ सबके। देखो ऐसा है कि चाहे वो सालोदा के प्रॉपर्टी डीलर हों, चाहे वो लावत के प्रॉपर्टी डीलर हों, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक सभी, ये दिनेश गुप्ता जी वीडियो कॉल में जुड़ना चाह रहे हैं। दिनेश जी एक्सेप्ट कर लिया, आप मोबाइल टेढ़ा करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और बोलिए क्या कहना चाहते हैं। अमजद भाई कह रहे हैं आजकल पता नहीं लोगों क्या हो गया, एक जमीन को 5 5 बार बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। भाई सब हो रहा है क्योंकि क्या उनको ये सोचते हैं कि जब कलेश होगा तब का तब देखा जाएगा, तब तक पैसा बनाओ। क्योंकि ढील पोल इतनी हो गई ना, हर जगह पैसा खिलाओ काम चलाओ, पैसा हर जगह चलता है। पहले गांधी जी चलते, अब गांधी जी की फोटो ही चलती है। गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने खड़े होके सारे काम करवा लिए अंग्रेजों से, भारत से निकलवा तक दिया उसको अंग्रेजों को। और एक अब गांधी जी की फोटो चल रही है, ये भी सारे काम करवा देती है। आप तो बेच रहे हो जमीन को, कितनी बार बेच सकते हो? क्योंकि देखने सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। जब देखने सुनने वाला खुद अगर वो ही करेगा जमीनों पे कब्जा, कैसे काम चलेगा? जो देख रहे हैं ना और जो समझ रहे हैं और जो कब्जा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है भाई साहब पीछे हट जाओ। क्यों मैं नाम लूं आपका फालतू में, लाखों लोग देखते हैं। मिनट में सब बराबर हो जाएगा, समझिए। आज तो मैं नहीं ले रहा हूं आपका नाम, लेकिन ये मैं सोचना कल नहीं लूंगा, क्योंकि आज मैंने आपको शायद लिखा है टाइटल में कि ये पार्ट 1 है मंदिर माफी को लेके। आज मेरे पास ज्यादा डिटेल नहीं थी, क्योंकि अच्छी बात यह है कि हमारे जो वो है ना अपना खाता .NIC.IN नाम से जो वेबसाइट है वो बंद पड़ी सुबह से। डिटेल मेरे को और भी बहुत सारी निकालनी थी। और छोड़िए,
ये मैंने आपको जो बताई थी ये उदय कला खंड स के खाता नंबर 532 की मैंने आपको डिटेल पेपर का दिखाया था। इसके अलावा 533 भी है उसी के जस्ट सामने रोड पर, उस पर तो कॉलोनी बच चुकी है, वो भी मंदिर माफी की है। और बाकायदा धड़ल्ले से उस पर प्लॉटिंग होके और कॉलोनी काट दी गई। अच्छा एक बार बताइए कि नगर परिषद को इस बारे में पता नहीं होता होगा? जहां भी कंस्ट्रक्शन होता है नगर परिषद के जो कर्मचारी है ना कुछ सो कॉल्ड, वो पहुंच जाते हैं जेसीबी लेके, हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, अवैध निर्माण है। एक बार ऐसे ही हुआ था, बाईपास पे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, छत ढल रही थी उस पर, कुछ अधिकारी पहुंच गए जेसीबी लेके और गाड़ियां वगैरह लेके कि हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, क्या चाहिए था उन्हें ये तो सबको पता है। बाद में फिर सारी मीडिया पहुंच गई, पूर्व विधायक जी पहुंच गए, तो वो उल्टे पांव चल दिए। अगर गलत था तो तोड़ा क्यों नहीं? गलत था तो मीडिया भी तुम्हारा साथ देता ना, अगर उनका कंस्ट्रक्शन गलत था तो तोड़ने थोड़ा ना गए थे। सही है आशीष भाई, लाइव है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। अच्छा आप में से कोई ऐसे दर्शक हैं जो लाइव वीडियो में जुड़ के कुछ कहना चाहते हैं? अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ठीक है तो भाई साहब ये तो आज तक की रामायण थी मंदिर माफी के बारे में। इसके अलावा ये तो मैंने सैनिक नगर का बताया भी आपको। आशिफ जी नमस्कार, और क्या हाल है? बस ठीक हूँ सर। अभी हालचाल का टाइम नहीं है सर, आप लाइव हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन हालचाल भी पूछने पड़ते हैं। सर्दी का टाइम है और हम भी आपके साथ में दौरे पर रहे थे इस टाइम, देखा था जी माहौल बहुत अच्छा, अच्छा चला रहे हो। आज आप और मैं गए थे, तब हमने कौन सी वाली जमीन देखी थी? आज अपने इधर जयपुर वाली रोड पर भी देखी थी, पावर हाउस के सामने पावर एक हाउस सौ के पच्चीस सामने 10-15 दुकानें बन रही हैं। वो बिल्कुल मंदिर वापी जमीन पर बन रही है। अच्छा अभी उनका नाम मत लेना जिनकी वो दुकानें बन रही हैं, ठीक है? उनका नाम हम लेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी बस ये चाहते हैं कि वो बंद कर दें काम, तो ज्यादा अच्छा रहे। उसमें क्या है, देखो आप ये सब पूरी जनता जानती है इस बात को कि नीचे से लेकर अच्छा ऊपर एक बात आदमी। बताऊं, कुछ साल पहले, शायद 3-4 साल हो गए इस बात को, राजेश जैमनी जी जो लॉयर हैं उनकी भी दुकान वही थी उसी जगह पे, है ना? और ये तहसीलदार और शायद नगर पालिका वगैरह सब इन सब ने मिलके वो दुकान गिरा दी थी उनकी, और उसमें माल भरा हुआ था, दुकान गिरा दी थी ये बोल के कि मंदिर माफी की जमीन है। और अब उसी जमीन पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहां पे दुकानें बनाई जा रही है लाइन से मेन रोड पे, और वो कोई मलबा नहीं बगल में, दे रहा। मलबा में पहले जो दुकानें तोड़ी थी उसका मलबा पड़ा हुआ देखा था, उसके हाँ बाद निर्माण हो गया उसका। उसके आसपास दुकानें बन चुकी हैं, बिल्कुल बन 10-15 दुकानें बिल्कुल। भी लाइन से बन रही है मेन रोड पे, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। नगर परिषद पता नहीं कहाँ सो गया। नहीं, लोगों से हमने बात भी की थी कि हमें कुछ प्लॉट लेनी है, हाँ तो लोग ये कह रहे थे कि मंदिर माफी जमीन है आप लो मत यहाँ, क्योंकि बाद में कभी टूट जाए कर जाए, तो इसलिए ये तो गलत बना रहे हैं। पता नहीं क्यों सरकार सो रही है या नगर पालिका सो रही है। ऐसा सरकार तो नहीं सो रही, लेकिन जो हमारे लोकल है ना, जी, लोकल जो भी हैं, छोटे से कर्मचारी से लेके बड़े बड़े अधिकारी नेता तक, ये सब बस आंख बंद करके पड़े हुए हैं। वो होता है ना जैसे कबूतर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें मूंद लेता है, तो उसे लगता है कि बिल्ली भी उसे नहीं देख रही। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब हम तो देख रहे हैं, जनता देख रही है और सब देख रही है ये भी आप जो हर। बात कर रहे थे अभी उदय वाली उपखंड वाली, ये जो क्या नाम है इसका, बेकरी के पीछे सैनी नगर के पास में, भाई साहब बेकरी की जमीन है ये, आशीर्वाद मैरिज गार्डन है ये इसके आगे तक जो जगह है ये सब कायम है। मैं मंदिर आपको वापस। इसका एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। ये जो PWD दिखाई दे रहा है ना, ये उदय मोड़ से कॉलेज पे जाने वाला रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वो जमीन है जो मेन रोड पे, ये पूरी 5821 है ना, ये कचरा नंबर, ये हाँ पूरा हो चुका है, इस पे कॉलोनी बन चुकी है ना। इधर की साइड ही वो आशीर्वाद मैरिज गार्डन, मतलब 5821 से लेके और 5831 तक, बिल्कुल यहाँ आगे 31, 5831 तक ये पूरा मंदिर माफी का है ना। और फिलहाल जो कब्जा चल रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ, इसके जस्ट पीछे जो ये हिस्सा है ना, ये वाला अट्ठावन हमें बात बाईस 5823 5824 5825, इस पे कब्जा चल रहा है अभी। और यहाँ पे अभी खेती है थोड़ी बहुत, शायद 5826 में शामिल हो गया होगा मेरे ख्याल से, बाकी यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत खेती चल रही है। खेती चल रही है कोई बुरा नहीं है, खेती तो होनी चाहिए। ये जनता को आप जनता देख रही है इस बात को, और लाइव चल रहा है, और देखो किस तरीके से, मतलब आपने दिखाया इसको। जी, और भाई साहब आशिफ भाई, अच्छी बात इसमें ये और है कि मैंने जैसा कि दिखाया था पहले, शायद आप पहले जुड़े नहीं हो, कि इसमें काश्तकार का नाम आ रहा है साहब, मंदिर श्री महादेव जी स्थान देह हिस्सा पूर्ण खातेदार, मतलब ये इसमें दिखाई, कौन है, काश्तकार नाम दिखा कौन है। दीजिए, जी दिखा दीजिए नाम एक बार आप। हाँ, फिर से दिखाता हूँ मैं एक बार। जी देखिए, काश्तकार का नाम बिल्कुल मंदिर श्री महादेव, महादेव स्थान जी दे, स्थान दे सब पूर्ण खातेदार, रहिन बैंक ऑफ बिल्कुल बड़ौदा सिंगापुर सिटी। अब देखो इसमें बड़ी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन भी दे दिया मंदिर की जमीन पे, लो है ना। खातेदारी में तो भाई साहब यही लिखा है कि मंदिर की जमीन है, हाँ किसी और कागज में कुछ और लिखा हो तो बात अलग है। बाकी इसका भी मैं बता देता हूँ कि ये जिसकी जमीन है, जिनने भी ये मंदिर बनाया था और मंदिर के लिए जमीन दान की थी, उन्होंने बिल्कुल भी ये जो पुजारी कहते हैं ना अपने आप को, जिनने जमीन बेची है, इनको नियुक्त नहीं किया था पुजारी के लिए, एक नागा बाबा को नियुक्त किया था वहां पे, लेकिन उनके कोई औलादे नहीं थी। उसके बाद इन लोगों ने वहां के पुजारी बन गए, क्योंकि जिनने दान की थी मेरी उनसे बात हुई है, जो इस जमीन के दानवीर है ना, जिन्होंने मंदिर बनवाया, जमीन दान की, मेरी उनसे भी बात हुई है, और उनने कहा कि कोई हक नहीं बनता पुजारी को कि वो मंदिर की जमीन को बेचे या उस पर लोन भी उठाए, अगर लोन उठा लेगा तो चुकाएगा कौन, ठाकुर जी चुकाएंगे क्या। ठाकुर बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। जी को लोन की जरूरत क्या पड़ी, मुझे तो ये बताओ, ठाकुर इसमें जी के लोन को जरूरत कहाँ है, और ले भी या लोन ठाकुर जी ने तो चुकाएगा कौन, और अगर नहीं चुकाया तो बैंक क्या कुर्की कर देगा उनके जमीन की, कर सकता है क्या बैंक। ये गंगापुर की जनता को ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज हमारे गंगापुर में कितनी जमीनों पर, मंदिर माफी जमीनों पर हमारे ऊपर कब्जा किया जा ऐसा रहा है। बोलता नहीं है कोई, दिक्कत ही है कोई बोलता नहीं है, दिन पता दहाड़े सबको है। क्या मैं सैनिक नगर पे गया, मैं पिछले 4-5 दिन से सैनिक नगर में घूम रहा हूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं है, चाहे वो एक सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो कोई टीचर हो या कोई दुकानदार हो, मतलब हर आदमी को पता है कि ये जमीन मंदिर माफी की है और उस पर कब्जा हो गया है, ये बेची जा चुकी है पुजारी द्वारा, सबको पता है, बोल कोई नहीं रहा है। और यहाँ तक कि एक पत्रकार जी भी है महाशय, वो उनका घर उसके पास में ही है, बगल में ही, वो भी नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे भाई, मिल गया कुछ, हाँ थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल गया, बहुत मिल गई, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे जनता को भाई। सोचना चाहिए, जागना चाहिए, हमारा ये यही जो संदेश जिस जनता को मंदिर जाग। की जमीन है, उस मंदिर में कभी 1 रुपया भी लगाया क्या, इस जमीन में से, किस बात के मंदिर के पुजारी बने बैठे हो तुम, सिर्फ जमीन खाने के लिए, क्यों आते जो अपन ने 132 KV के जो पावर हाउस के सामने जो जमीन देखी थी, जी। वो तो जस्ट बिल्कुल मंदिर के जस्ट दीवार से एक गली है बीच में, बस वो तो बिल्कुल करीब है, उस पर भी कब्जा कर लिए हैं। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, सब खेल चल रहा है, सब मिली भगत से चल रहा है। पहले भी एमएलए तो नगर परिषद जनता ने बना बनाया जैमिनी जी की जो दुकान थी, बनी बनाई वो तोड़ दी, बनी बनाई
दुकान तोड़ दी, अभी 3-4 साल पहले की बात है, बनी बनी दुकान तोड़ दी थी उनने, 4 साल हो गए लगभग स्वाद को, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल उसके अंदर जो मार्बल का मटेरियल पड़ा हुआ था, उनको जो माल पड़ा हुआ था, सबका नाश कर दिया। आप और मैं रहे थे, आज उनका मलबा भी देखा था पड़ा हुआ था उस दुकान का वहां पे, है ना। वो ये बोल के ये मंदिर माफी जमीन है, ये बोल के उनको गिरा दिया। जो नए निर्माण हुए उनका क्या? और एक अच्छा, ये निर्माण कहीं गली में भी नहीं हो रहे, मेन रोड पे हो रहे, मेन रोड पे दिखाई दे दो नगर परिषद को, पूरी पब्लिक देख रही है। और सुनो क्या नाम है भैया, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी अभी क्या नाम है, सरकार ने ये भी देखो जो नियम है कि नगर पालिका के बिना आदेश के आप कोई मकान, चाहे अपनी जमीन हो खुद की भी, आप बिना अनुमति के मकान नहीं बना सकते ये नहीं नगर करते। पालिका। से बताना पड़ता है नगर पालिका, नगर परिषद को बताना पड़ता है कि हम इतने मंजिला बनाएंगे, इतने बाई इतने में बनाएंगे, ये हमारा वो है, प्लान है निर्माण करने का, ये हमारा प्लान है, ये बताना पड़ता है। नगर पालिका को नहीं बताया और बिना अनुमति के आपने मकान बनाया तो तोड़ने का अधिकार भी है अधिकार। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे गाड़ी लेके आ जाते हैं, दो बस चार कानून पढ़ाते हैं, मकान मालिक का जो मकान आधा अधूरा बन चुका होता है वो डर जाता है और कुछ कुछ खिला पिला के नक्की कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, नगर पालिका भी बहुत पता ही नहीं क्या चल रहा है नगर पालिका में भी, अब देखने को मिल रहा है बिल्कुल भ्रष्ट हो रही है। आप बता रहे थे कि एक तरीके से गर्व था कि हमारे एक तरीके से बड़ियों में से जो भी है चेयरमैन बनेगा, तो आज गंगापुर की थोड़ी सीध आएगी ये सोच रहे थे लोग, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा हमारे चेयरमैन साहब पता नहीं क्या है क्या नहीं कर रहे। अभी तो वक्त बताएगा आने वाला वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अब होना भी ठीक चाहिए है, राजेंद्र लोगों को फिर सामने जी पूछ रहे हैं वार्ड पार्षद कौन है। राजेश जी आज तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाकी सबको पता है सही नगर का वार्ड पार्षद कौन है ना, और उनको क्या मिला है ये भी मुझे आस पड़ोसियों ने बता दिया है, उनके आस पड़ोसियों ने, कल मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हुआ था तो पता करके आया था क्या मिला है कैसे मिला है। तो भाई साहब ऐसे ही नेता चाहिए आपको, चुप रहो बस देखते रहो। लोग पता नहीं सच सच देखना चाहते ही नहीं है, वो सच को लाना भी नहीं चाहते। देख लो ना अभी लोग सच देख रहे हैं, बहुत कम ऐसे लोग अच्छा देख सक रहे हैं, ना तो लाइक करेंगे ना शेयर करेंगे, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल हम शेयर कर देंगे कहीं हमारे ऊपर कुछ ना आ जाए कोई बात को शेयर कर। अरे यार हम यहाँ सामने बैठ के बोल रहे हैं इतना सब कुछ मंदिर माफी जमीन है, दूसरा आप जब खुद उसमें आप देख रहे हो मिल रहे हो सारी चीजें कर रहे हो तो बोलना पड़ेगा। बोलते क्यों नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ, मैं 2-3 दिन से सैनिक नगर एरिया में घूम रहा हूँ और वहां पे देख रहा हूँ। अच्छा अभी 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 मैं कुछ देर पहले 8 बजे मुझे लाइव करना था, मैं 7:30 बजे ट्रक यूनियन से आया हूँ, क्योंकि वहां भी एक भाई साहब हैं, उन्होंने बुलाया था मुझे और मेरे को जगह दिखाई, ये भी मंदिर की जमीन है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हालांकि अंधेरा था मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन मैं दिन में जाके दोबारा देखूंगा एक बार। गंगापुर में काफी जगह ऐसा चल रहा है भैया जो लोग मेरे समझ में नहीं आ रही कि इतने चुप हैं, पता नहीं क्या ऐसा गंगापुर वासियों को दे दिया पता जो मेरा कौन सी गोली चला दी कौन सा पता नहीं क्या। कमेंट में मुझे है ना, कमेंट में काफी लोगों के आ रहे हैं कि यहाँ पे जमीन कब्जे में, यहाँ पे जमीन कब्जे में, यहाँ पे जमीन कब्जे में, बोलते क्यों नहीं हो ये, सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। अगर हम कैमरा लेके चले जाएंगे ना इनके पास में, बोलेगा कोई नहीं कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, डरते हैं लोग और ये डर का फायदा उठा रहे हैं, जो माफिया है डर का फायदा उठा रहे हैं, पीछे से ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे हमारे बच्चों का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे हमारे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं है ना भाई, जो भी काम हो मीडिया बुला लो, मीडिया बोलेगी, अरे मीडिया बोलेगी मीडिया को, मतलब मीडिया को दिखाना पड़ेगा, मीडिया में इंसान नहीं रहते, मीडिया में तो भगवान है, तो मरते नहीं, कुछ नहीं होता, चोट नहीं लगती, लोहे के बने हम तो, बोलो भाई। पंकज चौबे जी कह रहे हैं भूमाफिया और सत्ताधारी लोग सब मिलकर मंदिर की जमीनों के बीच वो बीच बेच खरीद रहे हैं, सबके सब मिले हुए हैं। अच्छी बात बोली, बहुत ही बहुत बात, लेकिन
अगर लोग बात बोले तो कितना अच्छा रहता है। अगर जिस तरीके से मंदिर माफी जमीन का जहाँ कब्जा हो रहा है और उनके आसपास अगर अपन जाएं और वो लोग अपन का साथ दें तो ये रुक सकता है। ये कौन कह रहा भाई सफाई का ध्यान? रोहित सिंगल साहब कह रहे हैं कि भाई सफाई का ध्यान रखो। अब ये देख देखो आप ही खुद ही आज गंगापुर सिटी में अपनी न्यूज चलाई क्या थी। आपको पता नहीं है, 4-5 दिन से है ना सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। आज आसिफ भाई ने भी उसको लेके लाइव चलाया था, ठीक है। मैंने जगह दो बार जगह पर में कचरों के ढेर लगे हुए हैं, नगर परिषद को कोई मतलब नहीं है कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बने रहो, हड़ताल पे और मैं पब्लिक भी एक भैया क्या हो रही, मक्खी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, होन दो, कोई मतलब नहीं है। क्यों जमीनों का ध्यान कौन रखेगा फिर? कहना चाहूंगा, मैंने ये भी कहा था कि आंख आपको खोलनी पड़ेगी, सच आपको देखना पड़ेगा। और जो भी है मैंने उस लाइव में ये दिखाया था, देखो जानवर भी हर तरीके के जानवर उन पन्नियों को थैलियों को सारी चीजों को खाते हैं, नुकसान है सारी चीजों को लेकर। और मैंने उनको दिखाया था कि अगर ठेकेदार भाई, अगर चेयरमैन हुए या हमारे आयुक्त हुए, अगर वो ढंग से अच्छा ठेकेदार चुन ले तो टाइम पे उनकी जो सैलरी है वो मिल जाए। नहीं, नगर परिषद कह रहा है कि हमने तो दे दी, नगर परिषद कह रहा है कि हमने तो पेमेंट कर दिया ठेकेदार को, और वो ठेकेदार कौन जो सा सफाई कर्मी ठेकेदार है, स्थायी सफाई कर्मी, वो कह रहे हैं कि हमको तो पेमेंट हमें नहीं मिला। मिली 4 महीने होगी। अब बताओ ये देख सकते हैं कि लाइव दो डेली के दिखा रहे हैं हमारे जी न्यूज पोर्टल पे, कभी तो कहीं क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, लेकिन गंगापुर वासी बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं चौराहे पर बैठकर, और जो सच्ची बात है और हकी बात जो करना चाहते हैं ना वो कर नहीं पा रहे। अच्छा, अभी काफी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सब समझदार आदमी हो बहुत सारे। सबसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा तरीका है कि कोई भी ऐसा तरीका है जो मंदिर माफी की जमीन पे बैंक लोन दे दे, कोई भी तरीका अगर है तो प्लीज कमेंट में बताइए। क्या पता मेरी जानकारी में ना हो, क्योंकि जहां तक मैंने पता किया तो अभी तक तो ऐसा कोई तरीका है नहीं कि मंदिर की जमीन को गिरवी रख दे पुजारी, जब जो उसके नाम से है भी नहीं। अच्छा, आज एक एक भाई साहब से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये जमीन पे आपने खरीदा बेची कुछ करी है क्या, तो कह हाँ हमारा हमारा हिस्सा तो है इसमें। मैंने कहा आपको पता नहीं मंदिर माफी की जमीन है? तो भाई साहब कहते हैं कि उसकी तो रजिस्ट्री हो रखी है। हो सकता है ऐसा? आप तो जमीन के मतलब प्रॉपर्टी डीलर हो, आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि किस जमीन की रजिस्ट्री हो रखी है, किसकी नहीं हो रखी। और कुछ नहीं, आप तो इतना वो दे रखा है, ऑनलाइन दे रखा है रिकॉर्ड, आप निकलवाओ। बिल्कुल 50 रुपये, बिल्कुल जो बात 50 रुपये उसे लगते निकल हैं एक सत्यापित प्रति निकलवाने में, 30 रुपये शायद उसके ई मित्र के चार्ज, और 20 रुपये उन भाई साहब के चार्ज जो ई मित्र चला रहे हैं। ऐसे करके 50 रुपये लगते हैं एक सत्यापित प्रतिलिपि निकलवाने के। सत्यापित बिल्कुल भी प्रतिलिपि निकलवाओ किसी भी जमीन की, किसी भी जमाबंदी की, तो फिर देखो उसको झूठ झूठ बताता है। लेकिन इसमें भैया देखो मेरी बात सुनो, बिना जांचे और बिना उसके निर्णय नहीं लेते हैं लोग और उस जमीन को ले भी लेते हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि टूट रही है तो फिर रोते भी हैं ऐसे लोग रोते भी हैं। भाई साहब ये बात गलत है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है, सस्ते मिल जाती है मंदिर की जमीन है, आज ना कल डिस्प्यूट होगा, ये सबको पता है, सबको मिल जाती है, क्योंकि एक बार बन गया ना तो मंदिर की जमीन को कोई नहीं तोड़ता। फिर मंदिर की जमीन पे एक बार मकान बन गया तो कोई नहीं तोड़ेगा। आज तक देख लो कहीं टूटा हो तो वो जैमिनी जी की दुकान के अलावा, वो शायद कोई पर्सनल रीजन होगा उनका जो उनकी दुकान तोड़ी। बाकी आज तक गंगापुर में देख लो कोई भी मंदिर माफी के कब्जे का टूटा क्या, किसी भी प्रशासन ने हाथ लगाया क्या कि हम तोड़ेंगे? भाई अगर मिली भगत ना हो तो उसमें सरकार अगर एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है। कैसे ले भाई, उसमें मिली भगत सरकार क्यों ना बनाए। का मतलब है, जैसे अगर अगर हम केंद्र सॉरी केंद्र सरकार का नहीं, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य राज्य सर यार गहलोत साहब थोड़ी ना आएंगे यहाँ पे जेसीबी चलवाने, बिल्कुल बिल्कुल आए कौन चलवाएगा? यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का चेयरमैन, ये चलाएंगे ना? अशोक यहाँ की गहलोत गवर्नमेंट चल, साहब ना मोदी आएगा, कौन करेगा फिर? करेंगे तो यही, जब यही निष्क्रिय है सब, तो कोई क्या करे? ना तहसीलदार जी को कुछ
पता, ना एसडीएम साहब को कुछ पता, ना एडीएम साहब को कुछ पता, ना विधायक साहब कुछ पता है को उनको, कुछ पता। और तो उनको छोड़ो छोड़ो, ये तो राज के हैं, जो ये तो पक्ष वाले हैं जिन इनका राज चल रहा है अभी। विपक्ष वालों की बात कर लो ना, बीजेपी वाले कहाँ हैं? जमीनें दबा के कब्जा हो रही है, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी। कहाँ गए बीजेपी वाले, दिखाई लोग भी ऐसे ही हैं यार, लोगों दे को वोट देते हैं। रहे हैं। जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश रैली, काय की जन आक्रोश रैली? क्या मिल रहा है जन आक्रोश रैली से? जो दिक्कतें लोगों की हैं गंगापुर में, तो पता, उनको कौन देखेगा? जन आक्रोश रैली करते फिरो बस प्रदेश भर में। वो अपनी तरफ एक तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारी तरफ देखें, कहीं और ध्यान ना जाए इन लोगों का। काम तो करो, नहीं, ध्यान नहीं राज जाना करो। चाहिए। अरे विपक्ष होने का फर्ज तो निभाओ, उनकी पक्ष जो इस समय जो गद्दी पे हैं, उनकी गलतियां तो निकालो। यही तो होता है विपक्ष का काम। भैया बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ बैठ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ बैठ रहे हैं ना, ये लोग जानते नहीं है कि नेता सब एक ही जगह बैठते हैं। ये सामने तो लड़ते हैं, फिर रात भर या कहीं पर भी जब मिलते हैं तो एक जगह बैठते हैं सारी चीजों को लेकर। मतलब रात की बात मत करिए। ये तो कहीं पर भी देख लो, एक जगह बैठते हैं। अब इनका क्या करें बताओ। अच्छा, देखो सैनिक नगर वाली दर्शकों से पूछ रहा हूं मैं। अब सैनिक नगर वाली जो मंदिर माफी की जमीन है, इसमें किस किस का नाम आपको पता है, मुझे व्हाट्सअप कर दो भाई साहब। नंबर मैं फिर बोल रहा हूँ, 9660907707, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, ठीक है? तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, आपको किस किस के नाम पता है, कौन कौन इसमें शामिल हैं। अगर कोई ऐसा नाम है जो मुझसे छूट गया हो तो उनको भी मैं जोड़ लूंगा लिस्ट में। और चिंता मत करिए, इस हफ्ते में जो आने वाला हफ्ता है, इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। मैं उस कॉलोनी में गया था, तो वार्ड पार्षद साहब की कॉलोनी है, वहां पे एक बुजुर्ग अंकल मिले थे मेरे को। वो बोल रहे थे कि भाई साहब बहुत आए और बहुत गए, अभी तक तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया इनका जो कब्जा कर रहे हैं। अभी तक अच्छा, हमने बोला था, पर हम बोल नहीं रहे हैं, बोल तो हम बाद में रहे हैं, हम कर चुके हैं जो करना है। बात होना भी चाहिए ऐसा। और और किसी के पास, मैं फिर बोल रहा हूँ, 32 KB जो वो है, 132 KV हाँ, लाइन जो जयपुर रोड पर, 332 KB जो पावर हाउस है जयपुर रोड पे, उसके सामने की जो जमीन है उसका खसरा नंबर मुझे चाहिए। किसी के भी पास अवेलेबल हो तो मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे या पर्सनल मैसेज में, पोर्टल के मैसेज मैसेंजर पे, कहीं भी आप मैसेज कर दीजिए, मैं देख लूंगा। और दूसरा, हाँ, एक चीज और याद आई मुझे, अभी मैं इसका जिक्र छेड़ के जा रहा हूँ, बाकी हम अगली बार जब जब भी लाइव आएंगे इसका डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा मैं साथ में। हालांकि मैंने पैसे, मुझे पैसे भी खिलाने पड़े इसका डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, आपको सही बात बताऊं, डॉक्यूमेंट नहीं निकलते ऐसे जल्दी से सरकारी दफ्तरों में। तो ये जो है ना अपना एक सिवायचक भूमि है गर्ल्स स्कूल के पास सड़क पे, नगर परिषद के नक्शे में पार्क है, और उस पे अभी 2-3 महीने पहले, अभी 1.5 महीने पहले शायद, उस पे पट्टा जारी कर दिया नगर परिषद ने। बताओ भाई साहब पट्टा जारी हो चुका है, तो आप पैसे खिलाइए और पट्टा लीजिए, जमीन कोई सी कोई मतलब नहीं भाई साहब, सरकारी जमीन का पट्टा दे दिया वो नगर चाहे परिषद ने। 9 TB में है चाहे नहीं है, कोई उसमें लेने देना नहीं। मैं कह रहा हूँ आगे का टाइम ऐसा आने वाला है, जो हाई सेकेंडरी का ग्राउंड है ना, इसी इसमें भी प्लॉट कट जाएंगे और इसमें पट्टे दे दिए जाएंगे। फिर गणेश भी लोग मिल को, तो अगर आशीष भाई अगर आपको पता है तो गणेश मिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो मुझे, कि गणेश मिल औद्योगिक भूमि में आता है या क्या बोलते हैं आवासीय में आता है? गणेश मिल पता है आपको इसके बारे में कुछ? गणेश मिल ये जो अपने, उदय मोड़ मनोहर सिंह धनवान जी के सामने जो है, अच्छा, मिल
मुझे ऐसा पता है, अभी तक जो मुझे पता चला है कि वो औद्योगिक में आता है, वहां पे तो मकान बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फैक्ट्रियां थी दो, जो जो थी आपके सामने दिखती नहीं है, मील टूटी हुई घर पड़े थी, हुए थे। मील थी वहां पे, हाँ, और अब वहां पे मकान बन रहे हैं। अब उसमें तो पहले से ही जब इंडस्ट्रियल एरिया ने उसने उसको वैसे ही औद्योगिक बना रखा था, तो उसमें मकान देने के लिए बलोटिंग करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़े, उसका तो अलग ही नक्शा है। भाई साहब, राजा भैया कह रहे हैं कि लोको नसिया कॉलोनी में इनमें क्या हो, पानी की बड़ी समस्या है। तो भाई साहब, जैसा राज चुनोगे वैसा ही राज होगा, ठीक ये तो लोगों को समझना पड़ेगा है? कि हमें आप अपना नेता चुनते हो। बिल्कुल, ये खुद इंसान सुनता है, खुद आदमी अपना वोट सुनता है। अगले 5 साल आपको उसी नेता को झेलना होता है, तो आप सोच समझ के क्यों नहीं चुनते उस समय जब आप वोट देते हो, फिर बाद में परेशानियां गिनाते हो, ये नहीं हो लोग रहा, ऐसे वो जो नहीं हो रहा। पार्षदों तो को, अभी हम वार्ड नंबर 2 में होके आया हूँ, अभी रोड है ही नहीं वहां पे, है ही नहीं रोड, मिट्टी हो रखी है ऊंची नीची, बस जैसे किसी ने वो लेटरिंग का कुआं खुदवाते हैं जो साइड में, वो ऊंची ऊंची मिट्टी छोड़ देते हैं, वैसी मिट्टी पड़ी हुई है वहां पे, ठीक है? ये रोड है वहां देखो, की, ये क्या है, जबकि जबकि मेरे सुनने में आया था कि हर पार्षद को 10-10 लाख रुपए की रोड सैंक्शन हुई है अपने अपने वार्ड के लिए। अरे तो कुछ तो करवाओ यार, 5 बिल्कुल, का ही काम करवा दो, पांच लेकिन जनता पांच पूछती कर नहीं लो है, यार, 5 का ही काम करवा दो, करवाओ तो सही। जनता पूछती नहीं है। क्यों नहीं पूछती उनसे? वही इसलिए नहीं पूछती कि पहले हमने खा लिया। अपने वार्ड में कोई भी वार्ड लोग फोन करेंगे, सर हमारे वार्ड की हालत देखो आके, हम हमारे देखने से पहले आप खुद देखो ना अपने वार्ड की हालत, और जिसको चुना है उसको दिखाओ ना भाई बिल्कुल सही बात है ये। क्या हो रहा है। अगर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे तो तू कर सफाई, आप खुद करो सफाई, आपकी कॉलोनी है, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे तो एक तो बड़ा बड़ी अच्छी अच्छी चीज ये है, पंकज चौबे जी कह रहे हैं सभी मील उद्योग विभाग की जमीन है जो एक टाइम तक के लिए लीज पर होती है, 99 ईयर्स के लिए होती है, 99 साल के लिए, उसके बाद भी पट्टे जारी हो गए हैं। आशिष भाई तालियां बजा दो, नगर परिषद को ताली या तालियां बजाने लायक है नगर परिषद, बिल्कुल सही बात। जमीनों पे, औद्योगिक विभाग की जमीनों पे, मंदिर माफी का तो अभी तक मेरे सामने नहीं आया कोई केस, क्या पता मंदिर माफो पे भी उनने पट्टा जारी कर दिया हो। अभी एक वो जो आया था ना, शायद पुरानी मंडिया केस था, पदम जी ने लाइव चलाया था उसको, कि मालिक मालिक कोई और है और किराएदार ने पट्टा बनवा लिया अपने नाम से दुकान का। अमजद भाई कह रहे हैं पार्षदों के पेट बहुत बड़े हैं भाई, होंगे बिल्कुल बिल्कुल होंगे, दिखते भी हैं बड़े बड़े, है ना? मैंने तो एक हाँ, ये भी एक लाइव पढ़ी थी हॉस्पिटल की भी, जो कितना भ्रष्ट एक तरीके से लोग परेशान हाल है उनको लेकर। हॉस्पिटल के तो अब उस दिन आप ही बता रहे थे, वो कौन सा कंपाउंडर था बाहर जिसका नाम ले रहे थे कि उससे जाके कैनुला लगवाओ, ये सुरेश कंपाउंडर का नाम ले रहे थे वो, सुरेश कि वहां कैनुला, कंपाउंडर हॉस्पिटल हमारे पास के कैनुला नहीं, कैनुला नहीं है। और कई दफा जो बीपी की एक नॉर्मल चीज होती है, बीपी बाहर। की गोली है, अब भाई और उस दिन वहां आपने लाइव चलाया था, आपने मेडिकल वाले से वहां पे पूछा था जो दवाइयां वितरित करते हैं मुफ्त की दवाइयां, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनसे पूछा था, उनके पास नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी इनकी दवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं थी, नॉर्मल दवाई गोली नहीं थी तो इस खांसी की। मौसम में सबको कोरोना ही हो रहा है क्या? इसके अलावा कोई बीमारी नहीं हो सकती? सर्दी जुकाम की तो रखो, हर आदमी को होती है मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, तो दवाई ही मेरा नहीं है, सेफ्टी होती है, स्टोर में कैनूला नहीं है, कह रहे हैं बाहर से लगवा लो। ऐसा ही है। लोग फिर लोग ऐसे भी हैं कि डरते हैं, कहते नहीं है किसी से जाके कि भाई हमें हमें मजाक कैनूला। बना रहा है,
मजाक बना रखा है, ये सरकारी योजना है ना इन सबका। लेकिन सरकार ने इसको जिला स्तरीय हॉस्पिटल बना रखा है, और आप जाके देखोगे ना, अभी भी कल या आज भी जब भी कम जाओगे, अभी बना नहीं है, अभी तो बनेगा। नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो बढ़ोतरी की है उन लोगों में, डॉक्टर भी बढ़ाए हैं, आज गंदगी भी इतनी है उसमें बहुत सारी। भाई साहब मैंने सुना था कोरोना के टाइम पे, शायद फर्स्ट या सेकंड जब वेव आई थी कोरोना के टाइम पे, 11 वेंटिलेटर आए थे गंगापुर सिटी हॉस्पिटल में। सुना था मैंने, मेरे को कंफर्म नहीं है, 11 वेंटिलेटर आए थे, एक भी नहीं लगाया गया, यही ऐसी चीजें हैं जिनमें धूल छा रही है। एक भी नहीं लगाया गया। और कहा क्या था कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है वेंटिलेटर लगाने की। यार आइसोलेशन सेंटर बना दिए, वो नवोदय विद्यालय तक को यूज कर लिया था आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए। हाँ, वहां लगा जगह नहीं है वेंटिलेटर लगाने के लिए, आदमी मर गया, कई लोगों की मौत हुई है। वेंटिलेटर होता शायद बच जाते गवर्नमेंट शायद हॉस्पिटल बच जाते। में, इनको ले लेके जयपुर भागना पड़ा, जयपुर में जगह नहीं है हॉस्पिटलों में, ये एक अलग थी उस टाइम पे। हाँ, हॉस्पिटल की कि डॉक्टर और अपनी वेंटिलेटर नहीं बीमारी लगाए से, गए, क्यों क्यों नहीं लगाए गए, कारण पता है? केंद्र से आए थे वो। नहीं एक बार एक और चीज में हॉस्पिटल की सुनने सुनने में आ रही है कि एक तो अपनी मनमानी से कई डॉक्टर हैं बेचारे जो टाइम पर आते हैं, और बहुत सारे जिनके अंदर ठसक और घमंड है ना, वो डॉक्टर बिल्कुल भी टाइम से आते नहीं है और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। और कई डॉक्टर नहीं जो ऐसी है, उनके बारे में सुनना आ रहा है कि जो डिलीवरी वाली जो है ना, उनके मामले में भी ये सुनने में आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट तरीके एक से। आसिफ भाई, हमारे पार्षद जी हैं विनोद जी, वो बुरा मान गए, कह रहे हैं सभी पार्षदों को इस मैटर में मत कहो, जो कर रहा है उसके लिए बोलिए, और सभी पार्षदों के पेट बड़े नहीं। विनोद जी, आपका पेट बिल्कुल बड़ा नहीं है, और आप तो हमारे बड़े फेवरेट पार्षद हो, हमने आज तक आपके बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुना है ना, और मैंने सभी पार्षदों के बारे में कहा भी नहीं है, ठीक है? मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो काम ही नहीं करवा रहे। आप तो बहुत ही जागरूक और युवा नेता हो, और आप अच्छा काम कर रहे हो अपने वार्ड के लिए, और आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, और किसी दिन आपको भी लाइव पे लेंगे अच्छे से। और खैर आशीष भाई, तो आज का लाइव यहीं खत्म करते हैं, अगर किसी भाई को कुछ बोलना हो तो अभी बोल दीजिए, उसके बाद लाइव खत्म करते हैं, क्योंकि हमें आज क्या है, सच बताएं, आज जो अपना खाता NIC.IN जो वेबसाइट है वो आज खुली नहीं, अगर वो खुल जाती तो मैं आपको और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाता। हालांकि एक और है मेरे पास, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। उदय कला खंड सेम है, उदय कला खंड से के अंदर खाता संख्या 533 जो है, उसके अंदर 6.6 हेक्टेयर जमीन उसी मंदिर के नाम है जिसके नाम से जो अभी कब्जा चल रहा है ना, उसी मंदिर के नाम से वो भी जमीन है, वो रोड के इस पार है, उस पार वो है जिसपे अभी अतिक्रमण चल रहा है, निर्माण किया जा रहा है, और इस पार और है जमीन जिसपे हो चुका है, कॉलोनी बस गई। ठीक है, क्या किसी को पता नहीं था इतनी बड़ी कॉलोनी बस रही है? सबको पता था, सब शांत थे, सबको प्रसाद मिला हुआ था। नहीं, शर्म नहीं बिल्कुल, आती तुम लोगों को? अब जो बाकी किया है उसको बचाने के लिए अगर गंगापुर की जनता कोशिश करे तो बच सकती है। बच सकती है भाई साहब, एक नरसिंह जी महाराज का है, इसका मैं खाता संख्या बता देता हूँ, उदय कला खंड से खाता संख्या 531, मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज, हिस्सा पूर्ण खातेदार, ठीक है? इनकी है 16.9 बीघा जमीन गंगापुर में ही, 16.9 बीघा जमीन, आपको लगता है अभी तक बच गई होगी ये? ठीक है, हो और 16.9 बीघा का मतलब होता है लगभग 66 बीघा जमीन, 16.9 हेक्टेयर, सॉरी 16.9 हेक्टेयर, जिसका मतलब है 66 बीघा जमीन गंगापुर के गंगापुर में गायब। ठीक है, तो भाई साहब अभी जो हमारे पास जो मेन जानकारी जो थी वो थी सैनिक नगर वाले खेत की, पुजारी महाराज जी, का जो खेत है उनकी, और हमारी जानकारी के हिसाब से
क्या बोलते हैं, उस जमीन पे लोन लिया हुआ है, उसके कागज मंगवा चुका हूँ मैं, ठीक है, लोन के। और जो इसकी जमाबंदी है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि है मेरे पास में, तो कोई ये तो मत कह देना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आगे बात समझ में। और बोलते हैं, जो भी इसको कब्जा कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों, पीछे हट जाओ, कब्जा मत करो इस पर। मंदिर की जमीन पे कब्जा करना अच्छी बात नहीं है। जिसने बेची है वो तो है ही पापी, वो तो सड़ सड़ के मरेगा। तुम क्यों खरीद रहे हो, क्यों पाप ले रहे हो अपने माथे? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। जिनको मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है मंदिर से, मस्जिद से, इनसे किनसे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ खाने से, खाओ और ऐसे निकालो। ऐसे उनकी तो कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। हकीकत को जाने और इसको लेकर लोग भी जागरूक हो जाएं, और जागरूक होना भी पड़ेगा। चर्चा चलाएं कि ये क्या चल रहा है गंगापुर में, तो उससे क्या है, थोड़ा सा अगर चर्चा होगी गंगापुर में तो हर किसी के मुंह पे अगर ये होगी तो लोग फिर डरेंगे और उस पर उस चीज को लेने से रुकेंगे। अवस्थी जी कह रहे हैं एक बार एसडीएम साहब का वीडियो वापस दिखा दो, जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको दिखाना जरूरी भी है, तो मैं एक बार दोबारा वीडियो दिखा देता हूँ कि एसडीएम साहब ने मंदिर माफी को लेके जब प्रेस वार्ता की थी अभी कुछ दिनों पहले, तब उन्होंने क्या बोला था। ठीक है, एक मिनट रुकिए। के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, मंदिर माफी की जमीन पे निर्माण को लेकर जो समस्या आई थी, हमने तुरंत तहसीलदार को मौके पे भेजा और मौके पे निर्माण कार्य रुकवाया। तहसीलदार को हमने पाबंद किया कि वो हर वीक जो निर्माण हो रहा है उसकी वीडियो बनाएगा और हमारे पास पेश करेगा, यदि नया निर्माण पाया जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हो सकता है किसी एक निर्माण विशेष की बात है, लेकिन जब हमने पूरी जांच करवाई इस प्रकरण में, तो गंगापुर क्षेत्र में मंदिर माफी की जमीन पे काफी निर्माण हो रहे हैं, पहले के निर्माण काफी हैं। हम सभी जो मंदिर माफी की जमीनें हैं उनकी जांच करवा रहे हैं, उनका सर्वे करवा रहे हैं, कितनी जमीनें मंदिर के नाम है, सभी को हम नोटिस जारी कर रहे हैं। और जहां जहां निर्माण हम कार्य चल रहा है, हमने लगभग सबको रुकवा दिया, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं मानेगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, उसको तो तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे, और जो भी कार्रवाई प्रशासन कर सकता है इनलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं हम प्रशासन द्वारा करवाएंगे। किसी भी तरीके का जो भी हमारे पास मंदिर को लेकर विरोध या जानकारी मिलेगी, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात आई थी हमारे सामने, तो भाई साहब, बात इसमें ऐसी है कि एसडीएम साहब ने लगभग 1 महीने पहले ये बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने तहसीलदार साहब को बोला है कि यार आप हर हर हफ्ते जाएंगे। भाई साहब कहीं नहीं दिखे तहसीलदार साहब, ठीक है। दूसरी, दलालत चल रहा है दूसरा। सुनिए सुनिए, दूसरी बात एसडीएम साहब ने कही कि हमने काम सब जगह रुकवा दिया है, एक जगह ऐसी नहीं जहाँ काम रुक गया हो, एक जगह ये ऐसी, रुका ठीक है, कहीं नहीं रुका काम। इन लोगों को प्रशासन का डर नहीं है या फिर प्रशासन इनके साथ है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो प्रशासन का डर नहीं है इनको या फिर प्रशासन इनके साथ है। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा गया है कि हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। नोटिस जारी करेंगे, अभी तक किसको पहुंच गया नोटिस? एसडीएम महीने साहब में। बोल रहे हैं नोटिस जारी करेंगे, 1 महीना हो चुका है, किसको पहुंच गया नोटिस और किसका काम बंद हो गया और किसके ऊपर कार्रवाई होगी, कहां जेसीबी चल गई? बिल्कुल चलिए, दिन दहाड़े आंखों के सामने जयपुर रोड पर एक से एक अधिकारी गुजरते हैं। और इतनी लेबर काम कर रही है कि उनको देखे तो ऐसा लगता है कि शायद ये 2 दिन में मकान खड़ा कर दें। बहुत लेबर काम कर रही है, जहां जहां भी ऐसे कब्जे का काम चल रहा है ना, वहां पे मतलब अटूट मचा रखी है, मतलब लेबर दबा दम काम करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, क्या पता रात में भी चल रहा हो। अरे ऐसे ऐसे निर्माण देखे मैंने भाई साहब, आपको क्या बताऊं।
गंगापुर की बड़ी बड़ी फर्म है, ठीक है, और अपने जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ना, उनका सीमेंट वो काम में ले रहे हैं जो कि ये सरकारी ठेकों में काम आते हैं ना, सीमेंट सस्ते पड़ते हैं, वो सीमेंट मंगवा मंगवा के यूज कर रहे हैं। मेरे पास कट्टा रखा है उनका, मांग लाया था मैं ऐसे ही मजाक मजाक में, लेकिन उसमें क्या बैच नंबर नहीं लिखा हुआ, बैच नंबर मिटा रखा है कुछ थिनर वगैरह कुछ से, बैच बैच में मिटा है। बैच नंबर अगर होता ना तो मैं पता कर लेता, वो बिरला उत्तम जो सीमेंट होता है वहां कॉल कर किया था मैंने उनसे पता करने को, उन्हें कहती इसमें बैच नंबर लिखा होगा, बैच नंबर अगर लिखा होता है तो मैं पता कर लेता है किस ठेकेदार को अलॉट हुआ है, ठीक है। बाकी उस पर लिखा हुआ था नोट फॉर रिटेल सेल, तो मतलब बेचने के लिए तो था नहीं वो। ऐसे कट्टे तो क्या बोलते हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में ही काम आता है, या फिर किसी बड़े ठेकेदार को दिया जाता है, इतना आपने बड़ा अभी जो या आपने एसडीएम का भी किसी। जो लेकर हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे 1 महीना हो गया, हाँ 1 महीने में उन्होंने किसी की तरीके कहीं पर भी किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं की। तो इसको लेकर अगर जनता चाहे ज्ञापन दे सकती है और उनके सामने हम जाएं तो बोले, फिर उनसे कहें, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है अगर लोग करें तो। अच्छा, मैंने सुना है इस मामले में एक हमारे नामी होटल वाले भी शामिल हैं, ये भी नाम आया है, होटल वालों का भी, नेताओं का नाम आया, छोटे से लेके बड़े तक सबका। इतनी कितनी हैवी जमीन है ये, सब अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। ये तो चलो, वक्ता बताएंगे ये अभी, तो अभी 2-4 दिन अपना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी है। हम इस हफ्ते के अंदर जो आने वाला हफ्ता है सोमवार से शुक्रवार के बीच, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और उसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, है। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई शिकायत है तो बुधवार से पहले पहले आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, कोई भी मंदिर माफी पे कहीं भी कब्जा हो रहा हो तो उसकी जानकारी आप मुझे जरूर दीजिए व्हाट्सएप पे, या फिर फेसबुक अपने हमारा जो पेज है इसके मैसेंजर पे दीजिए, या फिर कहीं भी दीजिए, आप मुझे जानकारी जरूर दीजिए कैसे भी करके। मेरा नंबर एक क्योंकि बार वो फिर से हम दीजिए, इतने हम 6996907707, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप जो भी जानकारी देंगे वो गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम कहीं नहीं लिया जाएगा। आप बस बताइए कहाँ कहाँ कौन कौन कब्जा कर रहा है, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए मुझे ज्यादा ज्यादा चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पंकज चौबे जी कह रहे हैं कि मंदिर माफी जमीनों पर रात रात में दुकान मकान बन जाते हैं, शिकायत देने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। जानते हैं भाई साहब, हम शिकायतों से परेशान हो गए, इसलिए तो आज लाइव चलाया कि यार कब तक शिकायत करते रहें, प्रशासन सुन नहीं रहा, जनता तो सुनेगी कम से कम। अमजद भाई ये कहाँ की बात कर रहे हो आप? अमजद भाई कह रहे हैं कि मैंने तो सुना है कि शमशान घाट की जमीन पे होटल बन रही है, किस जमीन की बात कर रहे हो आप, किस किस जगह का शमशान घाट है ये जरा बताना, देखते हैं हम भी कौन सा होटल बन रहा है, देख के आते हैं। टूट अंधाधुंध कब्जा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, जुटे पड़े हैं कब्जा करने, जिस जमीन में कोई धनी धोरी नहीं है उस। अच्छा, मैंने किसी से ये भी सुना कि जो पुजारी महाराज ने जो जमीन बेची है, पहली बात तो बेची क्यों, बेची है वो दबाव में आके बेची है, किस चीज किसका दबाव है भाई, ना तुम बेच सकते हो ना कोई कब्जा कर सकता है, फिर दबाव किस चीज का है, कोई किसी को कब्जा करने तो देते, किसी को पुजारी महाराज किसी को कब्जा करने तो देते तब कुछ होता, तुमने कब्जा करने से पहले तो जमीन बेच दी है, कितने कितने बेची है, कोई कह रहा है 8 लाख, कोई कह रहा है 8 करोड़, कोई कह रहा है 16 करोड़, इतने में बिकी है क्या भाई, श्रेणी नगर पे जाओ किसी से भी पूछ लो कि जमीन बिकी, हाँ बिकी, ये किसकी जमीन है, कि मंदिर माफी की, कि बेची किसने, पुजारी महाराज ने, सबको पता है, सबको डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं,
नेता, पत्रकार, सबको पता है। अरे कुछ तो करो। चलो चलो आगे की ये जो जनता है अभी अभी थोड़ा साथ दे, तो ये काम अगर आसानी से भी हो सकता है। तो भी कुछ हो सकता है। हाँ और मैं अभी जो वीडियो अगली बार जब भी मैंने, जाने आऊंगा तो मैं बताऊंगा जरूर कि आगे हम क्या करने वाले हैं और क्या कर चुके हैं। हम आगे करने को हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं बताना नहीं चाहता ताकि सतर्क ना हो जाए कोई, जो भी समझ रहे हो ना। आने दो, करो करो कब्जा करो। मैं तुम्हीं के साथ आता हूँ भाई। अमजद भाई जब भी आपकी मर्जी हो आ जाना। मैंने नंबर आपको बार बार बताए हैं, 9660907707। इस नंबर पे कॉल करना, व्हाट्सअप करना, और जब आपको मिलना हो तब तो मुझसे मिलना, ठीक है? और मेरे को जो भी सबूत हो आपके पास में वो मुझे दे देना, ठीक है? उसको हम लाइव पे लाएंगे, और अगर आप लाइव पे आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो, ठीक है? और कोई लाइव पे आना चाहेगा? और तो कोई नहीं आ रहा, ठीक है? तो ठीक है फिर ठीक आशी भाई चलते हैं, है। ओके। ठीक है दर्शकों, आपसे भी हम विदा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कहीं भी कोई भी मंदिर माफी की जमीन है ना, तो उसको खरीदिए और ना किसी को खरीदने दीजिए। कोई कब्जा कर रहा है तो करने तो दो कब्जा, उसे कब्जे से तो निकलवा लेंगे, लेकिन करने तो दो कब्जा। आप सूचना नहीं दे सकते ना, आपको डर लगता है कि भाई हम इसके बारे में बताएंगे किसी को तो ये भूमाफिया हमारे साथ बुरा कर देंगे। हमें बता दो, हम तो भाटे के बने हैं, हमारे साथ कोई बुरा कौन करे? हम उनको बता दियो, बताओ तो सही, मुंह तो खोलो, ठीक है? वैसा तो मिलते हैं, हो सकता है 2-4 दिनों में मिलेंगे नई खबर लेके। अभी और भी जमीनें हैं, एक बार ये वेबसाइट खुल जाए तो थोड़ा उनकी भी डिटेल निकालूं, वो भी बताऊंगा आपको कौन कौन जमीनें हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार, ध्यान से सुनिए, खाता संख्या, खसरा नंबर, ध्यान से सुनिए। इनमें अगर आपके जमीन मकान है तो ये मंदिर माफी में है और ये कभी भी टूट सकते हैं। सैनिक नगर एरिया का बता रहा हूँ, अभी सुनिए। उदय कला खंड से, खाता संख्या 532, खसरा नंबर 5 58 21 58 22 58 23 58 24 25 26 27 28 29 30 58 31 और 58 32। 58 21 से लेकर और 58 32 तक की जो भी जमीन है, जिसमें से ये जो 58 22 है ये तो कुआं है ना, इसको छोड़ देते हैं। तो 58 21 से लेकर 58 32 तक जो भी जमीनें हैं, खाता संख्या 532, उदय कला खंड से, में जो भी ये खसरे नंबर हैं, ये जो भी जमीनें सब मंदिर माफी की हैं। अगर आपने खरीदी है तो ये आपकी गलती है। कल को प्रशासन तोड़ता है तो आपके पास कोई वो नहीं है कि आप इनको उनको रोक सको। प्रशासन को, प्रशासन तोड़ सकता है। अगर आप कहो कि भाई मीडिया आके लाइव चलाए, हम आपको हमको दिखाए कि हम कितने परेशान हो रहे हैं, तो भाई साहब आपने अपना फायदा देखा जमीन खरीदने के लिए, कि हम जमीन खरीद लेते हैं, सस्ते मिल रही मंदिर माफी की, तो क्या हुआ? आज ना कल पट्टा तो बन ही जाएगा, रजिस्ट्री तो हो ही जाएगी, है ना? यही सोच के जमीन ले ली, सस्ते मिल रही ले लो। आप अपना फायदा देख सकते हो, तो नुकसान भी आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो अभी के लिए धन्यवाद, जल्दी दोबारा मिलेंगे। अगली बार जब मैं लाइव आऊंगा, नामों के साथ आऊंगा, जो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं अभी तक वो ले सकते हैं। हो सकता है मैं बुधवार या शुक्रवार तक दोबारा लाइव आऊं, और जब मैं आऊंगा तो सबके नाम लेके आऊंगा, सबूतों के साथ आऊंगा। अभी मैं ज्यादा डॉक्यूमेंट्स निकाल नहीं पाया क्योंकि सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सरकारी वेबसाइटें हैं, जैसे BSNL है, ऐसे सरकारी वेबसाइट है, सरकारी काम भी ऐसे ही होते हैं।
धीरे धीरे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, नहीं चल रहे, है ना। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने गलती से मेरी सिम को BSNL में पोर्ट करवा लिया, ये जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर कभी ना लगे ना तो ये सोच लेना कि भाई साहब BSNL है, नहीं लगेगा, है ना। व्हाट्सएप मैसेज कर दो आप, मैं आपको कॉल कर लूंगा। चलो धन्यवाद भाई साहब, आप सभी को बहुत बहुत, इतनी रात तक जगे बैठे हो रजाई में घुसे घुसे, 9:15 बज गए, चलते हैं। चलो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।